लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब कोई जोत लेने नहीं है। सब विराजमान हो गए जितने बचे हैं वो कीर्तन करेंगे। बाबा का दो भजन प्रभु के चरणों में होंगे लेकिन वो सब मिलकर करेंगे। इसलिए श्याम जी कोई भी कोरस माइक इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं। मैंने बोल दिया मोती को ये सब कोरस बंद कर देंगे। कोरस बंद कर दो सब मिलकर कीर्तन करेंगे। प्रभु से बोलिए लक्ष्मीदातार की। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है बाबा के पावन आगमन पर। अभी भी मेरे दिल में एक बात आई है, 90s देखा है किसी ने श्याम जगत में, 92-93 का पीरियड, वो बहुत बहुत लोग बैठे, 80% लोग। उस समय एक दौर चला था, सबसे पहले कलकत्ता में बाबा का शीश शंकर भैया पर कृपा हुई, बाबा आए उनके माध्यम से घर घर में कीर्तन हुआ। हालांकि उसके बाद उनके बाद जैसे शीश का प्रचलन थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अब कलकत्ता में बहुत जगह बाबा का शीश का दरबार लगता है। मुझ पर भी कृपा हुई, जो घर बाबा ने मुझे रहने के लिए दिया है वहाँ पर भी बाबा आए। लेकिन आज दिल से बताऊं मैं, कोई चेहरा देखकर बोलने की दरकार नहीं, आज यहाँ पर अभी बैठा था तो मुझे वो 93-94 याद आ गया, जो शंकर भैया का जो बाबा को लेकर आए थे, बाबा जिनके द्वारा आए थे कलकत्ता में, जो श्रृंगार जो रूप में कीर्तन होता था आज वही नजर आ रहा है बिल्कुल। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कलकत्ता जयपुर मुंबई में जो ये थोड़ा सा है कि बाबा घर में आएंगे तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। भाव अगर आपके हैं ना तो बाबा को महाराज मैं इसलिए, क्योंकि बाबा कभी पार्शल नहीं हो सकता। एक के घर में बाबा विराजमान है और उसकी पौवारा पक्षिस हो रही है और दूसरा भाव से ले आए उसका नुकसान हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगर आप बाबा को भाव से लेकर आते हो कि मालिक आप मेरे पिता हो, दुनिया तो कई नालायक ऐसे देखे जो अपने माँ बाप को सब कुछ होते हुए भी अनाथालय में फेंक आते हैं, वो अच्छा है कि अपने पिता को अपने घर में लाकर विराजमान करना, वो अच्छा है। हमने अगर इसको पिता मानकर अपने घर में विराजमान किया है तो ये मेरा विश्वास है कि पैदा करने वाला पिता फिर भी कई बार मजबूरी वश हमारी हर चाह पूरी नहीं कर पाता। हम घर से जब पिता निकलते थे, जब 10-15 साल के थे, जब हम खुद नहीं कमाते थे तो फरमाइश कर बैठते थे, और फरमाइश करते समय ये होश नहीं रहता था कि जो डिमांड कर रहा हूँ वो ये पिता मेरा पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। भरसक प्रयास करते थे वो, लेकिन कभी कभी वो मजबूर हो जाते थे, नहीं भी कर पाते थे। लेकिन ये जगत पालने वाला पिता है, इनके पास कोई कमी नहीं है। वो भले ही जिन्होंने जन्म दिया, जो हर शायद इच्छा को पूरी नहीं कर पाए कभी भी, लेकिन ये एक मिनट के अंदर में सुनते हैं बस भाव से। इन्हें पिताजी कहने की दरकार है, बाप कहने की दरकार है। हम भले ही नालायक हो जाएंगे, ये बाप का फर्ज जरूर अदा करेंगे। इसलिए आइए दिल से मेरे साथ साथ दो भजन कीर्तन करें। कमर्शियल गायकी में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप पर बाबा श्याम से विशेष कृपा है ना। बाहर जब गाड़ी इन कर रही थी तो गार्ड ने पूजा पूजा नथानी जी के जा रहे हैं कि कृपा है प्रभु की। इतना बड़ा साम्राज्य बाबा ने दिया, कलकत्ता ही नहीं हिंदुस्तान में बहुत जगह आकर लोग नाम से जानते हैं। अब इसके बाद और क्या मांगना है, नहीं मांगना है। हाँ मारे सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ,
मैं जो लाइन बोलूंगा उसके बाद भी नहीं मांगना तो कोई बात नहीं। दयालु तुम्हारी दया चाहता, दया चाहता, दयालु तुम्हारी ये नहीं मांगना। देखो ये बहुत लोगों को दिया, ये बहुत लोगों को दिया लेकर देकर छोड़ दिया। जा अब तू कितना कमा सकता है, लोग चेक कटने लगे, बैंक में बैलेंस है। इसलिए प्रभु इज्जत से ये कृपा बनी रहे यही चाहते हैं, है ना। कौन कौन चाहता है, मीठी मीठी तालियां के संग बोलेंगे। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया Yeah.
का भजन है ना, कीर्तन भुला देगा। जहाँ कमर्शियल जाते हैं ना, वह मजबूरी बस पहनना पड़ता है, क्योंकि पहनाने वाला पहले से फिक्स होते हैं कि फलाना कलाकार आएगा, उसका माला पहनाएंगे, उसकी फोटो खींचेंगे, उसकी फोटो दिखाएंगे। विश्वास है साथ तेरा चाहता हूँ, विश्वास है साथ
लेकिन इसके सब सब रचनाओं में से सबसे जो अंतरात्मा को झिझकोर देने वाली रचना थी तो ये इस भजन ने मुझे बहुत सुकून दिया। किनारे पर खड़ा आदमी खुश है कि वो बचा हुआ है, लेकिन यहां पर किनारे वाले की नहीं, उसके बात कही जा रही है जो डूब रहा है और वो भी खुश है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिसकी कहानी है वो क्या कहता है ठाकुर से, ठाकुर आपकी कृपा हो गई जो मैं किनारे से मझधार में आ गया। कई लोगों को हालांकि समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो गारंटी या राजवर्षो नहीं पाऊंगा। वो प्रेमी कहता है बाबा मैं तेरे प्यार में ऐसा जो जितना गहरा गया उतने पास आ गया, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु जितना गहरा गया उतने पास आ गया, डूब कर भाव में मैं जहां भी गया, डूब कर सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। मंजिल को हूँ बढ़ता, मंजिल को हूँ बढ़ता, मंजिल को हूँ बढ़ता।
की ज्योति, मिले की ज्योति भी अंधेरों में, जो तू साथ है मेरे, मिले की ज्योति भी अंधेरों में, जो तू साथ है मेरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, किसको किसको विश्वास है कि हम साथ में नाम लेंगे, हमारा काम नहीं अगर से सब उन्हें हाल का, सुख दुख क्या है लहरें ये बताती है, सुख दुख क्या है लहरें ये बताती है, कभी आती है और कभी जाती है, कभी आती है और कभी जाती है, मोती कर चाहिए डूब कर के खुले, सच कहता हूँ वो तो निराशा, प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा, प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा, 20 साल पहले मैं और ये बॉम्बे गए, उस समय चौपाटी सारी रात खुली रहती थी, गाड़ियां बजा रहा, पहली बार बॉम्बे गया था, कीर्तन करने के बाद हम लोग चौपाटी पर पहुंचे, मुझे समुद्र की लहरों से डर लगता है, ये मेरा हाथ खींच कर ले जा रहा था, रात के 11 बजे 11-12 बजे, मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैं साइड में खड़ा हो गया, ये थोड़ा सा मेरे से 5-10 फुट अंदर जा रहा था, अचानक ये झुका, मुझे लगा गिर गया, मैंने चिल्लाया क्या हुआ, उन्होंने कुछ टकराया है, और झुक कर जब बालू खोदी बताए क्या निकला, हनुमान जी की मूर्ति निकली, माथे से लगाया, उस हनुमान जी को समुद्री हनुमान नाम दिया, आज भी उनके घर में 20 साल से उस हनुमान जी की पूजा हो रही है, मोती कर चाहिए डूब कर देख ले, मोती कर चाहिए डूब कर देख ले, ढूंढता फिर राज लहरों में उसे, ढूंढता फिर राज लहरों, सच कहता हूँ वो सोना,
हमने कर दिया, अरे पगले हमने नहीं किया, इसने हमारा हाथ पकड़ कर करवा दिया। तालियां बजा। सजा को भी जीवन दान में बदल देते हैं। मैं तो नहीं बोलूंगा, एक बार जोरदार आवाज में बोलेंगे क्या? मैं तेरे सब कहे हैं तेरा दास आ गया। बोल सांचे दरबार की। श्याम भाई, भाई इस दरबार की खासियत बताऊं? सब पुराने हो कभी भैया, कहीं भी चल जाओ, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति आते हैं, सैकड़ों बार आते हैं, ठीक है? जिनके लिए आते हैं वहां पर उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट हो जाता है और वो चले भी जाते हैं, जनता को नहीं पता चलता। लेकिन मेरे श्याम प्रभु का दरबार ऐसा है, यहाँ पर कोई फकीर भी अगर 10-20 बार खाटू पहुंच जाता है तो भी उसको लोग जानने लग जाते हैं कि ये फलानी जगह का श्याम प्रेमी है, कीर्तन में आने लग जाता है उससे जैसे श्याम सुभाष जी। सही बात है ना, इस श्याम दरबार की विशेषता है। 10 बार श्याम बाबा के कीर्तन में चले जाओ, चाहे आप बस से आए हो, चाहे आप मर्सिडीज में आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको श्याम प्रेमी जैसे श्याम कहीं लेंगे। यही हमारे श्याम प्रभु की विशेष खासियत है। इसीलिए कहा, डूब कर भाव में मैं जहां भी गया, सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। साचे दरबार
कभी सूरज का नाम आपने सुना होगा, है ना? समय दो मिनट। रवि सूरज जिसके कई भजन, तेरी मोर छड़ी के आगे छुप गए बड़े बड़े सरदार, लाखों पापी तार दिए। आज से 20-25 साल पहले उससे जब भी कोई टेलीफोन में फोन करते तो वो कहता था राधे राधे, हम कहते थे हेलो जय श्री श्याम, राधे 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 जय श्री श्याम, वो एक ही बात कहता था राधे राधे। मैंने उसको कई बार बोला, वो मैंने तेरी श्याम बाबा से कोई दुश्मनी है क्या? हालांकि ये वाक्य मैंने कई बार बोला है कैंटन में, सच्चाई है। कलकत्ता में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार जब ये पूरी बात बताऊँगा उसके बाद एक बार उससे मिलना, और वो सच बोले तो महसूस करना कि श्याम क्या है। मैंने उससे पूछा तेरी श्याम बाबा से कोई दुश्मनी है? बोले नहीं। तो मैंने कहा यार तू राधे राधे कहता तो मैं भी राधे राधे कहता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं जय श्री श्याम कहता हूँ तो जय श्री श्याम का जवाब तो दिया कर। तू कीर्तनों में तो श्याम बाबा के जाता है, भजन श्याम बाबा के लिखता है, तेरा परिवार श्याम बाबा की कृपा से चल रहा है, फिर श्याम बाबा का नाम नहीं लेता। बोले यार अपने को राधे रानी में बहुत आनंद आता है। मैंने कहा पगले, राधा रानी जिनकी आराध्य थी ये उनका दिया हुआ वरदान है कि कलयुग तुझे देता हूँ, और मुझे तो सिर्फ लोग श्याम के नाम से जानते हैं, कलयुग में तुझे श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। और जो सारी दुनिया में हार जाएगा, क्योंकि जिनको भगवान कृष्ण ने वचन दिया, उन्होंने युद्ध में लड़ने से पहले माँ को वचन दिया था कि हारे का साथी बनूंगा, और आपके राधे रानी के आराध्य ने उनको वो वचन सिद्ध नहीं होने दिया, रास्ते में उनको शीश का दान ले लिया। तो भगवान ने इस वचन के साथ में कि कलयुग तेरे नाम करता हूँ ये भी कहा कि तूने जो मां का वचन दिया था वो अधूरा रह गया, यहाँ महाभारत में काम नहीं आया, लेकिन कलयुग में जो सब जगह से हार कर तेरी शरण में आ जाएगा, माँ को दिया वचन काम आ जाएगा और तू जीत जाएगा, कभी नहीं हारेगा। मैंने कहा आज मैं तुझे गारंटी देता हूँ एक दिन जरूर आएगा जब तू जय श्री श्याम बोलेगा। 2-4 साल निकल गए, एक दिन सुबह सुबह 5-6 बजे टेलीफोन आया, आवाज़ भर्राई हुई थी, नींदों में था मैं, मैंने मोबाइल नहीं देखा कि किसका है, सीधा फोन उठा लिया, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। मैंने कहा कौन भैया? रवि। रवि भैया तो बहुत है, रवि भलोतिया भैया भी है, रवि बेनीवाल भैया भी है, उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी, रवि सूरज भैया। मैंने कहा यार आज सूरज कहाँ हो गए? जय श्री श्याम। बोले भैया बस कुछ मत कहिए, फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा कहाँ है तुम? कहाँ हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? उड़ीसा गया था, कल कार्यक्रम था, पूरी रासलीला की टीम थी, आज खाली था, पूरी के समुद्र तट पर नहाने के लिए चले गए, हमारी टीम नहा ली, हम दो लोगों को समुद्र खींच कर ले गया, हमारी टीम का एक मेंबर उसकी बॉडी बड़ी है, और मुझे न जाने कितने देर तक अंदर रखा समुद्र में, बस आखिर में मुझे इतना याद है कि मैंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन जब मुझे लगा कि अब नहीं बचूंगा तो मुझे आखिर सब यही याद है कि मैंने दोनों हाथों को उठाकर कहा था हारे के साथ की जय जय। और अभी डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि मुझे शायद 12 घंटे या 15 घंटे बाद होश आया है, और जब मुझे होश आया तो मुझे आपकी वो बात याद आ गई कि हारे के सहारे बोलना पड़ेगा। डूब कर भाव में मैं जहाँ भी गया, सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। अब वो हमेशा जय श्री श्याम कहता है, कभी भी उसको मिले कोई पूछ ले, सच्चाई है। जिसने श्याम का नाम यहाँ से लिया वो चाहे कैसा भी हो, श्याम ने हमेशा उसको उतारा है। बोले हारे के अगर आप नहीं जाओ तो एक और इसी तरह का भजन, क्योंकि मैं समझता हूँ विकास भैया पर तो कृपा है ही, मुझ पर भी कृपा हुई कला भवन के माध्यम से, शिवचरण जी आदरणीय ब्रह्मलीन शिवचरण जी के सामने बैठकर भजन सुनाने का, भजन गाने का, और उनकी ही एक अमिट रचना सब मिलकर गाएंगे। Thank you.
सीढ़ी है। जब भक्त परेशान होता है और जब उसे लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है, तब वो इसके सामने बैठे बाबा तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई,
मुझ में कोई इल्म नहीं है तेरे पे दिल लगाने का, मुझ में कोई इल्म नहीं है तेरे पे दिल लगाने का, कल काम नहीं करती है देख के हाल जमाने का, we'll be right back.
वालों को अपना समझा, व्यर्थ ही समय गवाया। जब जब मुझको बड़ी जरूरत कोई भी नहीं आया, जब जब मुझको बड़ी जरूरत कोई भी नहीं आया, तू ही नाते पकड़ ले मेरी बाह सहारे, तू ही नाते पकड़ ले मेरी बाह सहारे। टूटा है इससे प्रीत लगाने में किसी को मीडिएटर मत बनाना पड़ेगा।
एक जगह कीर्तन की बात बताता हूँ, दिल्ली में एक जगह कीर्तन हो रहा था, 15-18 साल पहले की बात है। जोत पर दो बैठे थे, उन्होंने किसी को बुलाया, परेशान था वो, कोई गरीब आदमी था, परेशान था, उसको बुलाया, परेशान है? हाँ हाँ महाराज परेशान, ला निकाल 1,000 रुपया, अभी अर्जी लगाते हैं बाबा के दरबार। कभी कभी होता है उसकी पॉकेट में 1,000 रुपया नहीं था, 100 का नोट निकाला था, जोत पर जो बैठे थे घुस दे रहे, 1,25 ही लगेगा, कहा महाराज 1,25 नहीं है। उसने निकाला, 1 का सिक्का था, उसके बगल में जो बैठा था उसने कहा चवन्नी मेरे पास में, तालियां बजा, उसने फट से चवन्नी उससे ली, 1,25 रुपया जो जोत पर बैठे थे उनको दे दिया, अर्जी लगा दी, रुपया वाला रह गया, चवन्नी वाले का काम बन गया। सच्चाई बता रहा, मिलना चाहोगे तो उस बंदे से भी मिलवा दूंगा। अरे पगले, मेरे बाबा के दरबार की खासियत ये है, जो कहीं नहीं चलता वो यहाँ चलता है। आज भी अगर चमत्कार देखना चाहते हो ना, चवन्नी को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, लेकिन आज भी इस विश्वास के साथ कि मेरी चवन्नी सवाई में चलेगी, चवन्नी के साथ रुपया लगाकर अर्जी लगाकर रख देना, ये मेरा विश्वास है कि अर्जी स्वीकार होगी। अगर चवन्नी किसी से मांगो, उस चवन्नी के बदले 2,000 का नोट देना पड़े, लेकिन चवन्नी के बदले उसको छुपा देना 2,000 का नोट, चवन्नी अपनी रखना, वरना काम उसका बन जाएगा, आप वही रखेगा। मुझे किसी भगत ने कही एक बात बहुत अच्छी लगी, कहा तिरुपति में 500 का नोट 1,000 का नोट देकर वीआईपी दर्शन होते हैं, करने में नुकसान नहीं, जो बिना किसी पैरवी के दर्शन करते हैं उसको 100% मिलता है, जो 500 या 100 हजार या 2,000 देकर दर्शन करते हैं उसको 90 मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, अरे 20 माइनस मिला तो कोई बात नहीं, 80 तो मिल रहा है, लेकिन किसी के पैर भी लगाकर मिलकर दर्शन करोगे ना, तो हो सकता है 80 उसको मिल जाए, 20 आपको मिले, हो सकता है 90 उसको मिल जाए, आपको 10 मिल जाए। तेरी मेरी प्रीत के नाही थी जो कोई पंच नहीं, तेरी मेरी प्रीत के नाही थी जो कोई पंच नहीं, तेरी आपको बहुत बहुत बधाई देगा। आई 2 मिनट बैठो, 2 मिनट, कितना बड़ा मेरा भाग्य है, मुझे बस सिर्फ 2 लाइन आती है।
कितनो बड़ो मारो भाग है मारा बाबा, कितनो बड़ो मारो भाग है मारा बाबा, वासुदेव मिलो माने राजी राखो जी, हो बाबा श्याम जी सगला ने पुलिस अच्छे दरबार की कपूर द्वारा